खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गुजरात में चुनाव प्रचार चरम पर है, चंद घंटे बाकी बचे हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर दोनों पार्टियां जोर लगा रही है डीचोटे। राज्य में 26 में से 26 बैठक बीजेपी के पास है और विजय भाई के कंधों पर जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री होने के नाते 26 का जो टारगेट है उसको पार करने की। विजय भाई, 26 में से 26 बैठक कितनी बड़ी चुनौती रही? इसलिए चुनौती नहीं मानते हम, क्योंकि गुजरात की जनता मोदी जी के प्रति बहुत अहोभाग भाव है, भरोसा भी है, मोदी को काम करते देखा है, ईमानदार है। तो गुजरात में से गुजराती लोग का मूड बन गया है कि गुजरात के सपूत मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और 26 से 26 सीट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। विजय भाई, लेकिन राहुल गांधी के भी दौरे काफी सारे होते रहे गुजरात में, 17 में गिनो अभी क्यों गिनो, उसका क्या प्रभाव होगा? मैं मानता हूं कि काफी कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ये देश के चुनाव में मोदी जी के प्रतिस्पर्धी उसको कोई सीरियसली नहीं ले रहे और बहुत लोगों के मन की मान्यता है कि राहुल जी इमैच्योर्ड है, उनकी अभी भी बचपनापन है, तो देश उनको सौंपेंगे तो पछताएंगे। लेकिन क्योंकि ग्रामीण इलाका भी गुजरात में काफी ज्यादा है और किसान भी है, किसानों के लिए योजना तक लेके आए हैं, उसका क्या फर्क पड़ेगा? वैसे तो मोदी जी ने सभी किसानों के 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि में दिया, 96 तहसील में हमारी सरकार ने भी इनपुट सब्सिडी 13,000 रुपया दिया सभी किसानों को, और एमएसपी प्राइस से व्यापक प्रमाण में हमने किसानों की जो उपज होती है उसकी खरीदी की है। सपोर्ट प्राइस से 8,500 करोड़ का किसानों का हमने मार्केट रेट से खरीदा है, किसान काफी खुश है। विजय भाई, लेकिन 2017 की बात करें तो पिछले जो चुनाव थे जब मोदी जी यहाँ से दिल्ली गए तब जो बैठक थी उसमें कमी भी आई है, 2017 में देखा थोड़ा बहुत जनाधार कम हुआ है। 17 का चुनाव, आज ये देश का चुनाव वोटर्स भी अलग तरीके से देखते हैं। 17 के चुनाव में कांग्रेस ने काफी जातिवाद, काफी षड्यंत्र किए थे, एंटी इनकम्पेंसी का भी काफी उन्होंने प्रयत्न किया, फिर भी 22 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया, ये भी एक बड़ी बात थी। लेकिन विजय, सब कुछ था, विकास था, सब कुछ था, तो क्या जरूरत पड़ी कांग्रेस के विधायकों को शामिल करने की? जरूरत देखिए, हमें जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन कांग्रेस में से सब लोग कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं, कांग्रेस टूट रही है, विधायक चुनाव में जीत कर आए हैं, वापस वो चुनाव बीजेपी की ओर से लड़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस भाजपा की शक्ति बढ़ रही है। क्योंकि कुछ सांसदों के पत्ते भी कटे हैं, टिकट भी कटी है, क्या उसका कोई प्रभाव देखने को मिला? जो सांसदों को टिकट नहीं मिली सभी चुनाव प्रचार में है, सभी दिलो जान काम में लगे हैं और अच्छा परिणाम आएगा। जब क्या वजह है कि चुनाव कैंपेन में डेवलपमेंट की बात कम हुई, पाकिस्तान की बात ज्यादा हुई, हर सभा में पाकिस्तान दिखने को मिला? नहीं नहीं, डेवलपमेंट की बात है, सबका साथ सबका विकास वो भी है, 5 साल में जो 55 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने किया है, लेकिन आतंकियों को कड़ा जवाब पाकिस्तान की सन उन्होंने ठीक कर दी, तो ये बात भी चुनाव का मुद्दा बन गया है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, तो उसका भी चुनाव में असर है। विजय भाई, अमित भाई
चुनाव लड़ रहे हैं गांधीनगर से, उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या क्या वजह रही अमित भाई को गांधीनगर से चुनाव लड़ने? राष्ट्रीय नेतृत्व चुनाव लड़के सांसद में जाए और गांधीनगर सीट आदरणीय अडवाणी जी अब 92 के हो गए, उन लोगों ने भी स्वेच्छा से सीट खाली कर दी। अमित भाई का होम ग्राउंड था, 5 से 5 साल 5 टर्म विधायक रहे, तो अमित भाई को भी वो सीट पे लड़ाया गया और उसका असर गुजरात में अच्छा रहा। नरेंद्र भाई के काफी ताबड़तोड़ दौरे भी गुजरात में रहे, क्या एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि नरेंद्र भाई जिस प्रकार से रैली करते हैं, गुजराती को गुजराती होने के नाते कनेक्ट करते हैं, उससे क्या फर्क है? अच्छा असर पड़ेगा और गुजरात के लोग नरेंद्र भाई को बहुत प्रेम करते हैं, रैली भी काफी प्रभावी रही और 26 सीट पर असर पड़ेगा। खास करके नरेंद्र भाई 3 बातें बोलते हैं कि मुरारजी देसाई को अन्याय किया, सरदार पटेल को अन्याय किया, अब मोदी जी को अन्याय कर रहे हैं, ये जो बात है वो कितना प्रभाव आपके हिसाब से डाल सकती है चुनाव में? देखिए, नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री थे तभी कांग्रेस का रवैया एंटी गुजराती रहा, सरदार साहब को भी साइड में किया था, एंटी गुजराती मानसिकता थी, मोरारजी भाई को भी दूर किया प्रधानमंत्री से, वो भी एंटी गुजराती रवैया था, तो ये सब गुजरात की जनता जानती है और इस चुनाव में इसका बदला लेगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नया बना और खास करके उसको लेकर काफी राजनीति भी हुई, उसका क्या फर्क? देखिए, सरदार को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, स्टैच्यू को दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाया और कांग्रेस उसका अपमान कर रही है, कांग्रेस के एलओपी बोल रहे हैं भंगार का स्टैच्यू है। सरदार के प्रति इतनी घृणा, मुझे लगता है कि उसको महंगी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल हो जाए भाई, 2014 में नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे और फिर दिल्ली गए, अब आप मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र भाई फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने का नारा लेके, क्या फर्क नजर आ रहा है 14 और 19 के चुनाव के बीच? नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे फिर प्रधानमंत्री, लोगों में एक आशा अपेक्षा सपना था, 5 साल मोदी जी ने अच्छा काम किया और मोदी के प्रति लोगों की एक प्रेम भरोसा बढ़ाए, तो प्रधानमंत्री के नाते वो प्रचार कर रहे हैं उसका भी असर है। 26 में से 26 बैठक का दावा है, विजय फैक्टर क्या हो सकता है, एक लाइन में बताएं? एक ही फैक्टर, मोदी को वापस प्रधानमंत्री बनाना। तो ये थे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान 75 रैलियां की है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के बाद गुजरात में सबसे बड़े कैंपेनर के तौर पे अमित भाई उभरे, उसके बाद किसी ने सबसे ज्यादा रैली की, सबसे ज्यादा लोगों से कनेक्ट किया तो विजय भाई ने किया। विजय भाई का दावा है 26 में से 26, अब जनता क्या वोट करती है वो देखना दिलचस्प होगा।